लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था गोल्डन फार्मूला ऑफ नेशनल इनकम, वेरिएबल से वेरिएबल पे जाने का फार्मूला जाना था। फिर से देख लीजिए फार्मूला, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस NFIA करते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम लोग माइनस NFIA करते हैं। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस NIT करते हैं, और मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस NIT करते हैं। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT कैसे आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को दो नामों से और जानते हैं, एक होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और दूसरा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर हम, जैसे कि सबसे पहला क्या है, कैलकुलेट NDPFC कैलकुलेट करना है। एंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, GNP MP 8000, डेप्रिसिएशन 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 गिवन है। तो यहाँ पर GNP MP जो दिया हो, जैसे कि ये वेरिएबल होते हैं, GNP MP NDPFC ये वेरिएबल होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं फार्मूला के, ये सब एलिमेंट हैं और ये क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो हम वेरिएबल से वेरिएबल पर जाएंगे, तो जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर दिया हो उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। जैसे कि GNP MP दिया है तो GNP MP को लेफ्ट साइड लिखो, NDPFC निकालना है तो जो निकालना होता है उसको राइट साइड लिखो। अब उस पे से उस पर जाने का फॉर्मूला बनाओ, तो GNP MP से अगर हमको NDPFC पर जाना है तो ये क्या है, GNP MP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहाँ क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको ग्रॉस से किस पर आना है, नेट पर आना है, नेशनल से किस पर आना है, डोमेस्टिक पर आना है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पर, और एमपी से एफसी पर मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। तो देखिए ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रॉस से नेट पर आना है, माइनस डेप्रिसिएशन किया हमने। नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस NFIA करेंगे, एंड देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, GNP MP में से डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, NDPFC मिलेगा। तो GNP MP की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8000, तो यहाँ पे 8000 लिखिए, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 600, यहाँ पे 600 लिखो। फिर उसके बाद NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ, 300, तो यहाँ पे माइनस 300 लिखो। और उसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ, 700, तो यहाँ पे माइनस 700 लिखो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NDPFC आ जाएगा। अब 8000 में से 600 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 7400 आएगा, माइनस 300 माइनस 700 इज इक्वल्स टू NDPFC। 7400 माइनस 300 करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, 7100 माइनस 700 इज इक्वल्स टू NDPFC। 7100 में से 700 माइनस करेंगे व्हाट यू विल गेट, 6400 इज इक्वल्स टू NDPFC। तो NDPFC की वैल्यू कितनी आ गई, 6400 आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज GDP MP। तो GDP MP निकालने का है हमको, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, NNPFC। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, दैट इज NNPFC को लेफ्ट साइड में लिखो, और GDP MP को किधर लिखेंगे हम, राइट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर, दिस इज GDP MP। तो NNPFC से GDP MP पे आने का फॉर्मूला बनाएंगे। नेट से ग्रॉस पर आना है, तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस NFIA, और FC से MP पे आना है तो क्या करेंगे, प्लस NIT। नाउ NNPFC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2000, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 200, देन माइनस NFIA। NFIA के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ऑल्सो गिवन एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, तो आप क्या लगाएंगे, माइनस, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110 माइनस 50 करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि उसके सब एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। प्लस NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, IT भी गिवन है, सब्सिडीज भी गिवन है। तो IT कितना गिवन है, 180 माइनस सब्सिडीज 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2200
माइनस 110 में से 50 जाएगा 60, प्लस 180 में से 70 जाएगा तो 110, तो 2200 में से 60 गया आपका 2140, 2140 + 110, वॉट यू विल गेट 2250 इज इक्वल्स टू GDP MP, क्या आ जाएगा GDP MP। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट GNPFC, GNPFC कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और GNPFC कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल दिया है NDP MP, तो जो दिया होता है क्वेश्चन के अंदर उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, NDP MP इधर साइड लिखा, और जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे GNPFC। तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए प्लस NFIA करेंगे, और MP से FC पे आने के लिए माइनस NIT। नाउ NDP MP की वैल्यू कितनी दी हुई है 25,000, और डेप्रिसिएशन दिया है 5,000, प्लस NFIA के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 400 और 600। तो फ्रॉम अब्रॉड में से हमेशा टू अब्रॉड को माइनस किया जाता है, ये फ्रॉम अब्रॉड है और ये टू अब्रॉड, फ्रॉम में से टू को माइनस किया जाता है। माइनस NIT के लिए IT नहीं दिया हुआ है, तो सब्सिडीज दिया हुआ, तो IT माइनस सब्सिडीज, IT नहीं दिया हुआ तो जीरो मानेंगे, और इसको जो सब्सिडीज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका GNPFC हो जाएगा। देन 25,000 प्लस 5,000 करेंगे कितना आ जाएगा 30,000, देन प्लस 400 में से 600 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 200, माइनस जीरो में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 30 इज इक्वल्स टू GNPFC। ब्रैकेट ओपन कर दो, 30,000 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल्स टू GNPFC। 30,000 में से 200 माइनस करो 29,800 प्लस 30 इज इक्वल्स टू GNPFC, 29,830 इज इक्वल्स टू GNPFC आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अभी तक हम लोग वेरिएबल से वेरिएबल पे जा रहे थे, अब हम लोग एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो जब भी कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना हो फॉर्मूला का, तो वेरिएबल से वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल दिए होंगे क्वेश्चन में, तो आप किसी भी वेरिएबल से किसी भी वेरिएबल पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे NNPFC दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है GDP MP दिया हुआ है, तो NNPFC से आप किस पर चले जाइए, GDP MP पे चले जाइए। तो नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए माइनस NFIA, और FC से MP आने के लिए प्लस NIT। तो NNPFC की वैल्यू 4,000 दी हुई, 4,000 प्लस डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दीजिए ऐसे ही, माइनस NFIA, तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 200, प्लस NIT कितना दिया हुआ है आपका 300 इज इक्वल टू GDP MP, GDP MP भी कितना दिया हुआ है 5,000। तो 4,000 माइनस 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3800, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस 300 बराबर 5,000। तो 3800 प्लस 300 करेंगे तो 4100 प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5,000। अब ये 4100 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5,000 माइनस 4100, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 900 विल बी योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सब्सिडीज। सब्सिडीज भी क्या है आपका, एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक GNPFC दिया हुआ और एक NDP MP दिया हुआ है, तो आप किसी से भी किसी पे जाइए। हम GDP MP से किस पर जाते हैं, NDP MP पे जाते हैं, सॉरी GNPFC दिया हुआ है ना, गलत हो गया ना, GNPFC है, तो GNPFC से किस पर जाएंगे, NDP MP पे जाएंगे। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक प्लस माइनस NFIA, और FC से MP आने के लिए प्लस NIT। GNPFC कितना गिवन है 27,710 माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 माइनस NFIA करना है, NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600 दिया, तो 400 माइनस 600 प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज होता है, तो 120 माइनस सब्सिडीज निकालना है, तो सब्सिडीज के लिए हमने सब्सिडीज लिख दिया इज इक्वल्स टू एनडीपी। एमपी कितना दिया हुआ है आपका? 24,000 दिया हुआ है, तो 27,710 में से 4,000 माइनस करें कितना आ जाएगा? 23,710 माइनस 400 में से 600 माइनस किया तो माइनस 200 ब्रैकेट में, प्लस ब्रैकेट इसको ओपन कर दो 120 और प्लस माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू 24,000। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो 23,710 प्लस 200 प्लस 120 माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू 24,000। इसको प्लस करोगे तो 23,910 प्लस 120 माइनस सब्सिडीज इक्वल टू 24,000। इसमें जब 120 प्लस करें कितना आया? 24,030 माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू 24,000। सब्सिडीज को उधर ले जाओ, 24,000 को इधर लाके माइनस कर दो, माइनस 24,000 इज इक्वल टू सब्सिडीज, तो कितना आ गया? 30 इज इक्वल टू सब्सिडीज। सब्सिडीज की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये भी आपका क्या है? एक एलिमेंट है। तो वेरिएबल आपके दो दिए हुए हैं, जीएनपी एमपी दिया हुआ है और एनडीपी एफसी दिया हुआ है, तो आप किसी भी वेरिएबल से किसी भी वेरिएबल पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे जीएनपी एमपी से किस पर आएंगे? एनडीपी एफसी पर आएंगे। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। जीएनपी एमपी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4500, यहाँ 4500 लिखो। माइनस डेप्रिसिएशन का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 100 माइनस एनएफआईए में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 700 में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, तो यहाँ पे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख दो। माइनस एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडीज, तो आईटी दिया हुआ है 300 और सब्सिडीज दिया हुआ है 200, तो 300 माइनस 200 इज इक्वल्स टू एनडीपी एफसी की वैल्यू दी हुई है 3900। यहाँ पर 4500 में से 100 जाएगा तो 4400 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस और प्लस 700 माइनस, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 300 में से 200 जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 आएगा इज इक्वल्स टू 3900। 4400 में से 700 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4400 माइनस 700 3700 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड माइनस 100 इज इक्वल्स टू 3900। 3700 में से 100 जाएगा तो 3600 प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू 3900। ये 3600 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 3900 माइनस 3600, वॉट यू विल गेट 300। नाउ सम क्वेश्चन आई विल गिव फॉर योर एक्सरसाइज, फॉर योर प्रैक्टिस, यू विल डू दैट क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर।